सो दोस्तों स्वागत है एक और धांसू और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ये जो इतने सारे टुटमुंजी है मनोज दे का चैनल डिलीट करवाने पर पीछे पड़े हुए ना मेरे भैया, ये जो बाल बांका होता है ना वो भी तुम उसका कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। वो इतना बड़ा क्रिएटर है ना, वो अगर सही से लात फैला देगा तो तुम यूं ही दब के मर जाओगे। जो तुम सोचते हो ना कि उसका हम चैनल डिलीट करवा देंगे, मैं बहरे भाई मैं बनाना ही चाह रहा था इसके ऊपर वीडियो। मैंने डेली देख रहा था, मैं डेली सब क्रिएटर की वीडियो देखता हूँ और मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, बट मैं बिल्कुल नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे को पता है कि क्या हुआ है और कहाँ गलती है। सर की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने पेड प्रमोशन किया था, मतलब जो उसने ऐप ऐप में का प्रमोशन किया था। मेरे भाई वो सब करते हैं। आज मैं एक सीधी बात करता हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मेरे को कोई प्रमोशन देगा तो भैया मैं क्यों नहीं करूंगा। मेरे इतने व्यूज आते हैं, मेरे सब कुछ होता है तो मैं प्रमोशन क्यों नहीं करूंगा। अरे तुम सबकी छोड़ो साला, जो तुम बोल रहे हो ना कि मैंने करा, तुम्हें व्यूज के चक्कर में साला तुम ये कर रहे हो। अपने मुंह से चीख चीख के बोल रहे हो कि मैंने इसका चैनल डिलीट करवा रहा हूँ, मैं चैनल डिलीट करवा रहा हूँ। एक बार वीडियो देखो तुम पहले, यहाँ पे वो डीएसपी सर के पास गए हुए हैं और क्या स्टेटमेंट आई है। टू डू समथिंग बैड और इलीगल, ये डेफिनेशन है कॉन्स्पिरेसी की या षड्यंत्र की। उदाहरण के लिए हम अभी समझ सकते हैं, जो रिसेंटली मैंने देखा यूट्यूब में चल रहा है, जैसे मनोज दे के खिलाफ बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं, एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उनको मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं बहुत सारी ताकि उनका चैनल डाउन हो जाए, तो ये एक प्रकार से इलीगल है। और मनोज दे ने इसके लिए एक्शन भी लिया है, जहाँ तक मुझे पता उन्होंने साइबर टीम को भी सूचित किया है और साथ में एक FIR भी रजिस्टर करने का उनकी प्लानिंग चल रही है। तो आप सब भी अनावश्यक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में, अनावश्यक ऐसे षड्यंत्रों में ना शामिल हों और इन सब चीज़ों से बचें, अवॉइड करें। जब तक कोई चीज़ इलीगल ना हो, जब तक सच में आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, सच में वो समाज में इफेक्ट नहीं कर रही, आप अनावश्यक रिपोर्ट मेरे हिसाब से तो उचित। बोली तुमने स्टेटमेंट, मेरे भाई वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, धनबाद जिले का ना ब्रांड एम्बेसडर मान लो तुम उसको। मेरे भैया नाम चलता है उसका, अच्छी अच्छी हस्ती जानती है उसको। अब झारखंड में धनबाद जिले का वो एक नामी आदमी है। तुम जैसे अले सोचते अबे मैंने कर लिया, अबे क्या कर लिया तुमने उसका। मैं भी कुछ कहना नहीं चाहता, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट मैं इसीलिए बोल ही नहीं रहा था कि मेरे भाई वो उनकी दिक्कत है, वो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनसे गलती हुई है। तुम साला फेक स्ट्राइक दिए जा रहे हो, तुम्हारे बस की है तो एक बार तुम उनके पास तक पहुंच के दिखाओ। वो 4 मिलियन पे है ना, तुम मेरे भैया 1 मिलियन करके दिखाओ अपने। बातें बनाएंगे कि मैंने डिलीट करवा दिया। अबे साले ग्रुप क्यों बना रहे हो, अकेले बस की है ना, उसके बाद जाके सीधा बोल दो भाई तेरे अंदर ये गलती है, तब वो तुम्हें बताएगा कि तुम कितने बड़े आदमी हो, तब तुम्हें समझाएगा कि मेरे भाई तुम्हारे कितने अंदर गुदा है। तुम साला पीछे बैठ के कह रहे हो मैंने डिलीट करवा दिया, मैंने सब कुछ करवा दिया, ऐसे काम नहीं चलता। मैं सबकी वीडियो देखता हूँ, टेक चैंपियन सपोर्ट सर हो गए, माय स्मार्ट सपोर्ट सर हो गए, मनोज दे की खुद की स्टोरी पूरे पूरे दिन देखता हूँ कि भाई को क्या दिक्कत आ रही है, मतलब क्या हो गया है। मेरे भाई वो ना बहुत बढ़िया बंदा है, तुमने उसको कभी वॉइस बात करते हुए नहीं सुना। लाइव में जब वो बात करते हैं ना, ये किसी अपने दोस्त से बात करते हैं, तुमने ये नहीं सुना। वो हमारी तरह है बिल्कुल, कि एकदम फ्रैंक, बिल्कुल आराम से नॉर्मल बंदे। उनको ये घमंड नहीं है कि मेरे 4 मिलियन है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं साला कुत्तों से बात ही नहीं करूंगा। अबे तुम हो, तुमसे बात क्यों करे कोई, तुम उसके खिलाफ जा रहे हो। कुछ नॉलेज ही दे रहा है तुम्हें, उसको सीख के तुम अब यूट्यूब पे आके बातें बना रहे हो। 7 साल का एक्सपीरियंस है साले उसके पास, तुम बातें बनाते हो कि मैंने डिलीट करवा दिया। तुम मेरे भाई कुछ नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल चाहता ही नहीं था कि यार मैं किसी के मुंह क्यों लगूं, वो अपना काम कर रहे करने दो। अब मैं एक और नाम लेना चाहता हूं, मेरा मन भी नहीं था उनका नाम लेने का, सिवार्थ राज शुक्ला सर। सर रात को 11 से 12 बजे की वीडियो डाल रहे हैं, 11 बजे वीडियो डाली होगी, मैंने वो भी देखी, वो उत्तर प्रदेश में खड़े होके, हाँ मैं साले को डिलीट करवाऊंगा, मैं तीसरी वीडियो डाल। अबे भैया तूने क्या कर लिया, सुबह उठ के तेरी इतनी फट गई कि तूने I am sorry की वीडियो डाल दी। जब अंदर गूदा हो ना, जब जाके लड़ा करो अपने बस के ऊपर वालों से। वो भाई चले गए डीएसपी सर के पास तो तुम्हारी फटके यूं हो गई, तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है कि तुम बोल सको कुछ किसी के। तुम्हें गलत लगता है, वो तुम्हें बातें पता है तो मेरे भाई उनके मुंह पे बोलो ना, उनको पता है सब कुछ, वो क्या कर रहे हैं। वो भी पेड मोनेटाइजेशन के खिलाफ है, मेन मुद्दा ही है ये पेड मोनेटाइजेशन का। ये जो साले दिमाग लगा के आ रहे हैं ना, रिपोर्ट करवा रहे हैं चैनलों को ग्रुप बना बना के, मेरे भाई क्या कर रहे हो तुम, ये तुम कर रहे हो अपने खुद पे पैरों पे लाठी मार रहे हो। सब बड़े क्रिएटर ने अभी मिला के वीडियो बना दी ना,
अगर एक साथ जो भी है तुम जेल के पीछे होगे, जेल की सलाखों के पीछे होगे तुम, और वो तो जाई रखा भाई, अगर उसका भी सच में माता फिर गया, चैनल वैनल डिलीट हो गया तो तुम तो गए, तुमको कौन ही बचा लेगा, उसकी इतनी इनकम थी ना, थी क्या मतलब है कि तुम जैसे 3600 को खत्म कर देगा वो मेरे भाई, तो मेरे भाई संभल जाओ यार, तुम क्यों फालतू के किसी के मछले में पड़ते हो, अपना काम करो, तुम्हारे बस की है तो यार सीधा सीधा बात कर लो ना, वो कौन सा मना कर रहा है तुम्हें कि तुम उससे बात ना करो जाके, तुम्हारे बस की है जाके उसके घर पे बात करो, सीधा उससे बात करो ना, क्यों तुम फालतू के किसी के मछले में, मैं भी बनाऊंगा, साला जिसको देखो डेली यही वीडियो, आज मैंने करा दी, साले तू क्या ही रह गया तुम्हारे पास मेरे भाई। अगर आपको सही तरीके से समझ आ गया है तो अपने हाथों पैरों को कंट्रोल में रख लो और एक जाके माफी मांग लो, बिल्कुल माफी मिल जाएगी, जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, तो अपना काम सही से कर लो। अगर आपको सही तरीके से समझ आ गया है तो नमस्ते और जय हिंद।